नमस्कार, आदि टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैन्सी शर्मा। तो आज इस खास कार्यक्रम में बात छत्तीसगढ़ की करेंगे, जहां छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के परिणामों को लेकर लगातार दावे किए जा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में 3 चरणों में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। सभी 11 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम मशीन में कैद हो गया है। चुनावी शोर थम चुका है, दिग्गज नेता दूसरे राज्य में चुनाव प्रचार के लिए निकल चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में जीत के दावे लगातार किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव हार चुके पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने यह दावा किया है कि लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को 11 में से 8 सीटें मिलने वाली हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन को देखें तो सिंहदेव का यह दावा अतिशयोक्तिपूर्ण लग रहा है, क्योंकि बीजेपी के भी पूर्व विधायक धर्मजीत सिंह ने कहा है कि बाबा साहब यानी कि टीएस सिंहदेव मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। भाजपा भी पूरी 11 लोकसभा सीट जीतने का दावा कर रही है, किसके दावे में कितना दम है ये तो 4 जून को ही पता लगेगा। फिलहाल तो जिन 2 सीटों पर पिछली बार 2019 में कांग्रेस जीती थी उन सीटों के अलावा राजनांदगांव की सीट पर भी नजर है। उधर छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना जैसी योजनाओं के लागू होने के बावजूद मतदान प्रतिशत में गिरावट कहीं ना कहीं दोनों दलों के लिए चिंता का विषय है। आज उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की सबको आजादी है और बाबा साहब अभी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं। स्वयं उनके सरगुजा में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड वोटों से चुनाव जीतने जा रही है लोकसभा का। अब वो सब हताश, निराश, बेबस और लाचार कांग्रेस के नेता इसी तरीके की बात कर रहे हैं। 4 तारीख को उनकी वस्तु स्थिति उनको पता चल जाएगी कि वो कितने मुगालते में जी रहे हैं। कांग्रेस के लिए सुधार की स्थिति है और देश भर में लहर नहीं है। 14-19 की जो स्थिति थी वो नहीं है। कौन जीतेगा, कौन हारेगा, किसको कितनी सीट मिलेगी पता नहीं चलता। आजकल मतदाता भी खामोश रहता है, अटकलें लगाई जाती है कि वोटिंग कम हो रही है तो क्या होगा, मतदाता चुप है तो क्या करेगा, पता नहीं चलता, आजकल समझ में नहीं आता। लेकिन एक बात स्पष्ट है और ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि देश भर से आदमी कहीं ना कहीं संपर्क में रहता है, कोई ना कोई अपने परिचित, कोई फ़ोन कर रहे, कोई कुछ कर रहे, कोई टिकट का किसी का है, किसी का कुछ है। पूरे जगहों से जो खबर आ रही है वो एक बात की है, लहर तो बिल्कुल नहीं। 3 में कांग्रेस के लिए काफी संघर्ष है, उसमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा और 8 सीटों में अच्छा चांस। तो दावे दोनों ही पार्टियां लगातार भर रही हैं और दोनों ही पार्टियों के दावे अब कितने खरे उतरेंगे, किसके दावे सही साबित होंगे, किसके दावे झूठे साबित होंगे, ये खैर 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर बात छत्तीसगढ़ की करें तो छत्तीसगढ़ की सभी 11 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है, चुनावी प्रचार प्रसार थम चुका है, चुनावी शोरगुल छत्तीसगढ़ में अब थम चुका है। लेकिन अगर जो जारी है इस भीषण गर्मी के बीच तो वो है दावे, और दावे भी ऐसे कि लगातार दोनों ही पार्टियां सभी सीटें जीतने का दावा कर रही हैं। कुछ देर पहले जहां बयान भी सुन रहे थे टीएस सिंहदेव का, ये कहना है कि छत्तीसगढ़ में इस बार कांग्रेस 11 में से 8 सीटें जीतने वाली है। हालांकि ये कभी हुआ नहीं है, क्योंकि 2000 के बाद से ही देखें, अगर छत्तीसगढ़ के गठन के बाद से देखें तो कांग्रेस लोकसभा का चुनाव आज तक छत्तीसगढ़ में नहीं जीत पाई है। महज 1 सीट या 2 सीट ही कांग्रेस के खाते में आती है। लेकिन अब ऐसे में टीएस सिंहदेव ने यह बड़ा बयान दिया है कि बड़ा दावा किया है कि 8 लोकसभा सीटें जीतने वाले हैं। किस आधार पर यह दावा किया गया है, कैसे वो इस दावे को सही साबित करेंगे, 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन बीजेपी भी लगातार हमलावर है। बीजेपी का यह कहना है कि लगातार जो छत्तीसगढ़ में सीटें हैं, लगातार बीजेपी 2000 के बाद से ही 10 सीटें जीतती आ रही थी, लेकिन 2019 में ये सीटों का आंकड़ा घटकर 9 पहुंच गया। लेकिन इस बार बीजेपी का यह दावा है कि सभी 11 सीटें इस बार पार्टी जीतने वाली है। ज्यादा चर्चा करेंगे, खास पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको रूबरू करा देती हूँ खास पैनल बीजेपी की तरफ से। गोपाल सामंतो हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता नीता लोधी हमारे साथ जुड़ गई, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले आप सभी का बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। पहला सवाल मेरा आपसे ही रहेगा नीता जी, टीएस सिंहदेव जी ये कह रहे हैं, दावा किया है उन्होंने कि इस बार 11 में से 8 लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। 2000 के बाद से आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिएगा, जब से छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, एक भी बार कांग्रेस लोकसभा का चुनाव नहीं जीत पाई है। महज 1 सीट ही जीतती आ रही थी और उसके बाद में 2019 में हालांकि 2 सीटें कांग्रेस को मिल गई, लेकिन अब 8 सीट किस आधार पर? जी आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी, बाबा साहब ने कहा कि 8 को हम स्पष्ट जीत रहे हैं और 3 में संघर्ष है, मतलब हम 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं।
आपने छत्तीसगढ़ बनने के बाद की बात कही, मैं ये चाहूंगी कि ये लोकसभा चुनाव है, जब से देश आजाद हुआ तब से और जब से 2014 से 2024 तक मोदी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही तब से हमारे देश की स्थिति क्या हुई। आज जनता जागरूक हो चुकी है, आज लोग समझने लगे हैं कि हमारे देश की दिशा और दशा किस ओर जा रही है, कैसे गरीब आदमी और गरीब होता चला जा रहा है, अमीर और अमीर होता चला जा रहा है, जिस प्रकार बेरोजगारी और महंगाई की दर 2014 तक जो थी उसके बाद से जिस प्रकार इन लोगों ने प्राइवेटाइज करना शुरू किया, जिस प्रकार इन लोगों ने अपनी दमनकारी नीति चालू की, जिस प्रकार इन लोगों ने किसानों की आय दुगनी करेंगे कहकर किसानी उपकरण में 28 नीता जी आप कांग्रेस की बात कीजिए ना कि कांग्रेस जो दावा कर रही है, टीएस सिंहदेव जो दावा कर रहे हैं कि 8 सीटें जीत रहे हैं, ये दावा किस आधार पर, जो की बहुत बड़ा आंकड़ा कह दिया। 11 सीटें बाबा साहब ये बोल रहे हैं कि 11 की 11 सीटें, ठीक है, किस आधार पर कह रहे हैं 11? क्योंकि हमने देश की और छत्तीसगढ़ के लोगों की जो परेशानी है, दिक्कतें हैं, जो आवश्यकता है, उसको समझ बूझ के जो हमारा 5 गारंटी और 25 जो योजनाएं हमारे यहाँ आई है जो लागू हुई है, जो एक तरफ किसान, युवा, श्रमिक, दलित सारे लोगों को के जीवन स्तर को ऊपर उठाएगी और देश को एक दशा और दिशा देगी, इस पर लोगों का विश्वास है। ये बहुत प्रताड़ित है, पिछले 10 साल में लोग, एक दशक निकल चुका, चाहे वो महिलाओं की बात हो, चाहे युवाओं की न्याय की बात हो, चाहे श्रमिकों की बात हो, श्रमिक तो इन सबको बहुत आज की किरण से देख रहे हैं और वो बहुत दो बार बहुत हो गया, दो बार मौका दिया लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को, पर स्थिति बद से बदतर होती चली गई। इस बार बदलाव की स्थिति है, निश्चित तौर पे हम छत्तीसगढ़ में 11 से 11 सीटें जीतेंगे, ठीक है, और सरकार भी हमारी बनेगी केंद्र में, ठीक है, ठीक है। यानी कि आपका साफ कहना है कि इस बार 11 की 11 सीटें कांग्रेस जीत रही है, जवाब ले लेंगे, लेकिन पहले नागेंद्र जी की ओर रुख कर लेते हैं। नागेंद्र जी, आपने दोनों ही पार्टियों के दावे सुने हैं, खैर धरातल पर किसके दावे सही साबित होंगे 4 जून को स्पष्ट होगा, लेकिन अगर हम आंकड़े के हिसाब से देखें तो अभी अगर दमदारी की बात करें तो फिलहाल बीजेपी थोड़ी मजबूत स्थिति में छत्तीसगढ़ में नजर आती है, और इस बार जो वोटिंग प्रतिशत भी छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, ओवरऑल प्रतिशत की अगर हम बात करें तो लगभग 1.31% से यहाँ वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। क्या लगता है आपको, वोटिंग प्रतिशत बढ़ने का किस पार्टी को फायदा मिलेगा? देखिए, जब भी चुनाव में वोटिंग का प्रतिशत बढ़ता है तो अलग अलग ढंग से इसके दावे प्रतिदावे होते रहते हैं, इसके विश्लेषण का अलग अलग मायने निकाला जाता है, और सिर्फ छत्तीसगढ़ नहीं पूरे देश में इसका आकलन इसी तरीके से किया जाता है, कभी हर पार्टी से अपने पक्ष में मानती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि राजनीतिक दल किस आधार पे इन दावों को पुष्टि कर पाते हैं, ये तो बहुत मुश्किल है। खासतौर पे इस चुनाव में मैं देख रहा हूँ नैन्सी जी की, लोग इस बार वोट देने के बाद बहुत ही शांत हैं, एकदम चुप हैं, वो मौन हैं, वो क्या करने जा रहे हैं ये कह पाना बहुत ही कठिन है। इस दौर में भी अगर कोई कहता है कि उनके ऊपर हमारा प्रभाव है या हमारे राजनीतिक दल के तरफ उनका झुकाव दिख रहा है तो ये उनकी एक सकारात्मक सोच ही मैं इसे मान सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो मेहनत करी उसको लगता है कि जनता उन्हें ही अपना मतदान करने जा रही है। तो इसमें एक हर राजनीतिक दल के साथ ये होता है, वो वोटिंग के बाद अपने ही पक्ष में सारा माहौल देखते हैं, उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, जिनसे भी वो बात करते हैं, स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष की ही बात करते हैं। तो आज जनता जो है वो इतनी ज्यादा प्रबुद्ध हो चुकी है मतदान को लेके, और खासतौर पे छत्तीसगढ़ के बारे में मैं आपको कह देना चाहता हूँ कि आमतौर पर राष्ट्रीय स्तर पे छत्तीसगढ़ को काफी पिछड़ा माना जाता है, यहाँ तमाम समस्याओं की ही बात की जाती है, लेकिन आम मतदाता अब बदल चुका है, यहाँ सारे लोगों की अपनी अपनी जो विचारधाराएं हैं उसके साथ वो अपना काम करते हैं, वो छत्तीसगढ़ को विकास की ओर ले जाने के लिए हर व्यक्ति के अंदर एक ललक है, तो स्वाभाविक रूप से वो राजनीतिक दलों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि जो जीत के आए वो उनके पक्ष में काम करे, तो पैमाने पे वो उन्हें अजमाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आपने एक बात जो कही कि जनता अपने जो मूलभूत मुद्दे हैं उनको जहन में रखकर अपना मतदान करती है, वोट करती है, चाहे मुद्दों को बनाने की कितनी ही कोशिश की जाए, लेकिन जो मूलभूत मुद्दे रहते हैं वो धरातल पर बने रहते हैं और जनता उन्हीं मुद्दों के आधार पर अपना वोट देती है। आपसे और भी आगे चर्चा करूंगी मैं, गोपाल जी आपकी ओर मैं आना चाहूंगी। नीता जी कह रही हैं कि जनता त्रस्त हो चुकी है, जनता इस बार बदलाव चाहती है, खैर 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा कि क्या बदलाव जनता ने चाहा है, क्योंकि टीएस सिंहदेव जी भी ये कह रहे हैं कि इस बार 11 की 11 सीटें कांग्रेस लेके जा रही है। नैन्सी जी,
आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। पहले तो मैं बोलना चाहूंगा कि टीएस सिंहदेव जी ने बहुत अच्छा बयान दिया। अपने बयान में उन्होंने बोला कि समझ नहीं आता है कि मतदाता क्या था। सही बात है, कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि मतदाता क्या चाहता है। तभी उन्होंने खुद भी हार का सामना किया। और 11 सीट की बात करें, 11 सीट में किसी भी सीट के किसी भी विधानसभा किसी भी पंचायत में टीएस सिंहदेव जी नहीं पहुंच पाए। जब वो चुनाव में है ही नहीं, जब वो चुनाव की परिस्थिति ही नहीं देख पा रहे हैं, तो वो क्या उसको आकलन कैसे उनकी आप सार्थक मानेंगे, पहली बात। दूसरी बात, ये वही टीएस सिंहदेव जी है जो 5 साल मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़ते रहे। उनकी पार्टी ने भी उनको सीरियसली नहीं लिया और लास्ट के 6 महीने 8 महीने के लिए उनको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो जब जिस नेता को उनके पार्टी सीरियसली नहीं लेते हैं, तो जनमानस कैसे सीरियसली ले लेंगे, पहली बात है। दूसरी बात, नीता जी ने कहा कि लोग परेशान हैं। लोग कहां परेशान हैं? जिस देश का प्रति दर प्रति व्यक्ति आय 72,000 रुपए 2014 में रहता है और 2024 आते आते 1,95,000 रुपए हो जाता है, उस देश का मतदाता परेशान नहीं है। जिस देश में एक साथ 28 एक्सप्रेस वे बन रहे होते हैं, उस देश का मतदाता परेशान नहीं है। जिस देश में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई जाती है, उस देश का मतदाता परेशान नहीं है। जिस देश में नारियल पानी बेचने वाला भी डिजिटल पेमेंट का मेथड अपनाता है, उस देश का मतदाता बिल्कुल परेशान नहीं है। नीता जी और उनके कांग्रेस के साथी परेशान है, क्योंकि वो फिर से बेरोजगार है। उनके राज्य में सरकार थी 5 साल, अब वो बिल्कुल बेरोजगार है, क्योंकि केंद्र में तो उनकी आ नहीं सकती और राज्य में उनको राज्य के नागरिकों ने, राज्य के जनमानस ने, राज्य के मतदाताओं ने उनको अगले 5 साल के लिए खारिज कर दिया है। तो अब ये इस व्यथा को अपना नहीं पा रहे हैं, ये इस व्यथा को सह नहीं पा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस आज इस मुद्दे पर, मतलब जब उनकी सरकार रही तब वो 2 सीट के ऊपर नहीं बढ़ पाए, आज जब सरकार नहीं है और 54 सीटों पर हार जाती है, उसके बाद आज वो मुंगेरी लाल के सपने देख रहे हैं कि 11 सीट जीतेंगे। मैं तो कहता हूं पूरे के पूरे 11 सीट भारतीय जनता पार्टी के ठीक है। दावा तो देखो दोनों ही पार्टियां कर रही हैं, 4 जून को तो वो स्पष्ट हो ही जाएगा किसके दावे सही साबित होंगे, लेकिन बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं चुनौती है सभी 11 सीटें जीतने में, क्योंकि अगर हम मतदान जो हुआ है उसका अगर आंकड़ा देखें, तो हालांकि मतदान फीसदी बढ़ा, लेकिन 2019 का अगर हम आंकड़ा उठाकर देख लें तो कांकेर में लगभग जो बीजेपी की पिछली बार की जीत थी उसका मार्जिन बहुत कम था, मात्र 6,000 के आसपास का ये मार्जिन था। आपको क्या लगता है कि क्या कांकेर में अब वापस अपनी उस सीट को बरकरार रख पाना मुश्किल है? और इसके अलावा अगर राजनांदगांव की बात कर लें तो भूपेश बघेल भी चुनावी मैदान में खड़े हो गए हैं, वहां से भी क्या बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? मैं तो बोलता हूँ भूपेश बघेल तो जहां खड़े हैं वहां तो उन्होंने पार्टी को डैमेज किया ही किया है। उनकी घोटालों की जो बारात है ना, वो जहां जहां वो अगर प्रचार में भी गए होंगे वहां में भी उन्होंने डैमेज किया होगा पार्टी को। और रही बात कांकेर की, नैंसी जी आप बिल्कुल आश्वस्त रहिए, कांकेर हम जीत रहे हैं, कांकेर के अलावा बाकी 10 सीट भी हम जीत रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अनुशासन, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का प्लानिंग, ये 3 चीज और जनमानस का आशीर्वाद, ये हमारे साथ पूर्ण रूप से है और पूर्ण रूप से हमें 11 सीटों में जीत दिलवाएंगे। ठीक है, ठीक है। नीता जी मैं आपके पास आना चाहूंगी, आपने कहा था कि जनता प्रताड़ित है इसलिए इस बार जनता कांग्रेस को वोट करेगी, ठीक है, चलिए माना जनता प्रताड़ित है, तो विधानसभा चुनाव में ऐसा क्या हुआ कि जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया? जो दावा कर रहे हैं टीएस सिंहदेव कि 11 की 11 सीटें जीत रहे हैं, वो खुद विधानसभा का चुनाव हार गए, जबकि सरगुजा की सभी विधानसभा सीटें भी कांग्रेस हार गई थी, फिर उसके बाद किस आधार पर यह दावा किया जा रहा है? जब खुद टीएस सिंहदेव चुनाव हार चुके विधानसभा का, अब कह रहे हैं कि सभी 11 सीटें जीत जाएंगे, अचानक से ऐसा कैसा बदलाव हो जाएगा? देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो नैरेटिव क्रिएट किया था, जो भ्रम फैलाया था, जो लोगों को लोग निभाने वादे देके गुमराह करने का प्रयास किया गया था, इस 4-5 महीने की सरकार विष्णुदेव की सरकार में लोग दोनों के अंतर को समझ गए हैं और लोग ये भी समझ गए हैं कि उनका एक वोट जिस प्रकार छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्जा माफ किया था, उनका एक वोट पूरे देश के किसानों का कर्जा माफ करेगा। लोग यहाँ समझ गए थे कि अगर हमको महंगाई कम करनी है, हमको किसानों की आय दुगनी करनी है, हमारे बेरोजगार युवा भाइयों को साथियों को रोजगार दिलवाना है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस को लाना होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछले सालों से
30 लाख जो पद खाली है उनको भर नहीं पाई थी, हमारे जो सार्वजनिक उपक्रम है उनको प्राइवेटाइज करती चली जा रही थी। लोगों की ये आय की बात कर रहे थे, आप बताएं किसान की आय जो दुगनी कर देंगे, ये बोलते थे ना 2022 तक किसान की आय दुगनी कर देंगे, किसान की आय तो दुगनी करने की बात तो छोड़ो, MSP भी तय नहीं किए और जो कृषि उपकरण है उसमें 28% GST लगाए। आज अगर वर्तमान में किसान की आय देखेंगे तो मोदी की सरकार में 27 रुपए हो गई, जहां किसानों की आय 27 रुपए लगभग रही और इनके इनके करोड़पति मित्र एक दिन में करोड़ों रुपए कमाते थे। जो ये लेकिन आपकी सरकार भी तो रही थी ना 5 साल, विधानसभा की कारक विधानसभा चुनाव जब आप जीते 2000 तो आपकी भी 5 साल सरकार रही ना, तो फिर कांग्रेस ने ऐसा काम क्यों नहीं किया कि जनता ने फिर भरोसा नहीं जता पाई कांग्रेस पर वापस? देखिए हमने किसानों को कर्जा माफ के साथ साथ किसान न्याय योजना चालू की, जिसमें भूमिहीन कृषि न्याय कृषि जो काम करते थे किसान काम करते थे उनको भी लाभ पहुंचाने का काम किया। आप प्रधानमंत्री राष्ट्रीय लेवल में जो मिलता है वो केवल 5 एकड़ से कम एकड़ की जो नीचे वाले किसान उनको ही मिल पाते, सभी समृद्ध नहीं हो पाते हैं। हमने उसके साथ साथ एक अलग अलग योजनाएं चालू की, उनको समृद्धि की ओर लेके गए, किसानों को चौतरफा लाभ देने का प्रयास किया, तब जाके हमारे यहाँ आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में 40 लाख लोग BPL से ऊपर आ पाए, समृद्धि की ओर आ पाए। स्वास्थ्य की ओर देखेंगे तो स्वास्थ्य में जहाँ पे बस्तर और कांकेर की बात कर रहे थे, यहाँ के लोग जो मलेरिया से पीड़ित रहते थे वहां पे हाट बाजार क्लिनिक की व्यवस्था की गई, वहां के स्कूलों को खोला गया, आत्मानंद स्कूल अंग्रेजी माध्यम में बच्चे पढ़ने लगे, रोडों का जाल बिछाया गया। आप ये बताइए केंद्र की सरकार 10 साल में थी, रामघाट परियोजना आज तक हमारी जनता ने फिर भरोसा क्यों नहीं जताया? को भारतीय जनता पार्टी ने अपने भ्रम के माया जाल में फंसा रखा था, भ्रम के माया जाल में फंसा रखा है। ठीक है गोपाल जी, जवाब दीजिएगा कि इसलिए वोट नहीं किया कांग्रेस को क्योंकि बीजेपी ने भ्रम के माया जाल में फंसा लिया है जनता को? क्या है ना मैडम नैंसी जी, कांग्रेस और कांग्रेसी लोग ना गांधी परिवार के भ्रम के माया जाल में, उन्होंने पूछा कि प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति में क्या किसान गिना नहीं जाता? देश के प्रति व्यक्ति आय में अगर दुगने से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है तो उसमें क्या किसान नहीं आते हैं, क्या किसान भाई नहीं आते हैं? नीता जी ने बोला अभी 28% GST लगाया गया, कौन से कृषि उपकरण में 28% GST लगाया जाता है? नीता जी का कहना यह है कि जो वादे किए गए थे विधानसभा चुनाव के दौरान वो वादे पूरे नहीं किए हैं। हमको 2 से 2.5 महीने का वक्त मिला, हमने 2.5 महीने में 3100 रुपए क्विंटल धान का वादा पूरा किया, हमने 18 लाख प्रधानमंत्री आवास का वादा पूरा किया, हमने मैतारी वंदन योजना के वादा को पूरा किया, हमने PSC घोटाला जो इनके दागदार दामन है कांग्रेस का PSC घोटालों के नाम से उस पर CBI जांच के युवाओं से वादा किया था, उस CBI जांच को हमने बैठाया। हमने जो वादे किए जो 2.5 महीने का हमें समय मिला उस टाइम लिमिट में हम जो कर सकते थे बिल्कुल किया, और हमारी सरकार जवाबदेह सरकार है, हमारी सरकार भूपेश बघेल की सरकार नहीं है या TS सिंहदेव भूपेश बघेल की लूटो की सरकार नहीं है, जो शाम को अलग मुख्यमंत्री प्रोडक्ट हो जाता है, दोपहर में अलग होता आता है और इनके विधायक दिल्ली में बैठे रहते हैं, हमारी सरकार ऐसी सरकार नहीं है, हमारी सरकार जवाबदेह सरकार है, हमारी सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी जानती है, अपने जवाबदेही को जानती है और जानती है कि जनमानस का भलाई किस में है और उनके वादों को कैसे पूरा किया जाए। आज इसीलिए भ्रम की बात कर रही है, किस भ्रम की? मैं तो अभी पूछ रहा हूं कि कौन सा कृषि उपकरण में 28% GST लगता है, कृपया नीता जी बताएं। ये भ्रम फैलाने का जो काम करते हैं GST, क्या इनको GST इनपुट के बारे में पता है? क्या इन्होंने GST इनपुट के बारे में जानकारी ली है? उनसे पूछा जाना चाहिए। नीता जी जवाब दीजिएगा। आप धरातल पे शायद भारतीय जनता पार्टी की लोग, मैंने आपसे पूछा नीता जी कौन से कृषि उपकरण में 28% GST लगाया जाता है, उनके बीज के दाम कितने बढ़े हैं, उनके खाद के दाम कितने बढ़े हैं, उनके कृषि उपकरणों के दाम? मेरा सिंपल सवाल है कौन से कृषि उपकरण में 28% GST लगाया जाता है, आप ऐसे भ्रम क्यों फैला रहे हैं? बोल दीजिए आप, बोल दीजिए। मेरा सवाल है दीदी आपसे कि कौन से दीदी आदरणीय नीता जी मुझसे मेरा आपसे सवाल है कौन से कृषि उपकरण में 28% GST लगाया जाता है? आप देखिएगा सभी उपकरणों में लगी है, आप देखिए आप जाके पता कीजिए कृषि उपकरण क्या क्या है और कितनी परसेंट GST लगती है उसमें। किसानों की आय दुगना करना, बोलना सबों पे छोड़ना बहुत नीता जी, एक दो उपकरणों के नाम बता दीजिए ना, किसी कानून आप लाए थे नीता जी, सवाल पूछ रहे तो एक दो उपकरणों के नाम बता दीजिए ना, बता दीजिए। मैंने आप ट्रैक्टर को देख लीजिए, 4.5 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिलता था, आज
75,000 रुपए का ट्रैक्टर है, 5,75,000 रुपए का ट्रैक्टर है, 135 HP का। नेताजी मैं आपको जवाब दे देता हूँ, 1,00,000 रुपए कैसे पहुँच गए? 50,000 की बाइसिकल आपको 1,25,000 में क्यों पहुंच गई? नहीं, आप क्योंकि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड एक ऐसा माध्यम है जिससे आप बड़े बड़े लोगों से चंदा लेते हैं, और केवल वो चंदा नहीं, चाहे के बीफ बेचने वाले लोगों से आप लोगों ने चंदा लिया, कोविशील्ड वालों से आप लोगों ने चंदा लिया, बड़े बड़े लोगों से आपने चंदा लिया। इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जैसे विश्व का, आपके नारायण स्वामी जी खुद बोलते हैं कि स्वामी बोलते हैं कि इस्तीफा दे देना चाहिए मोदी। नारायण स्वामी नाम के तो नेता जी ने किसी को जानता नहीं, भारतीय जनता पार्टी में नारायण स्वामी नाम के कोई नेता तो है नहीं नेता जी। आप अकेले की बात कर रहे थे, रावघाट परियोजना 10 सालों में आप क्यों नहीं पूरा कर पाए? आप यही विधानसभा चुनाव के पहले बोलते थे कि हमारा नगरनार का प्लांट नहीं बिकेगा, आदिवासी भाई बहनों को नौकरी मिलेगी, लोगों को वहाँ। आप ये बताएं, उत्तेजित होकर भ्रम फैलाने का काम ना करें नेताजी। मेरा सवाल है नगरनार के नेताजी, गोपाल जी की बात सुन लीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं नेताजी? आपको बोलने का मौका दिया है, गोपाल जी की बात भी सुन लीजिए एक बार, क्या कह रहे हैं गोपाल जी? आप सवाल लगाते जाएंगे, भ्रम फैलाते जाएंगे, आप हार चुके हैं, आप लोग बेरोजगार हो चुके हो, आप मान लीजिए। नीता जी एक बार सुन लीजिए, गोपाल जी क्या कह रहे हैं, उनका सवाल तो सुन लीजिए नीता जी। आप अकेले बोल लीजिए नीता जी, आप देखिएगा नीता जी एक बार सुन लीजिए ना गोपाल जी क्या कह रहे हैं, सवाल पूछने एक बार सुन तो लीजिए। पानी हो पाएगा आपके सामने, डिबेट की मर्यादा रख लीजिए दीदी। नीता जी एक बार सुन लीजिए, सवाल आपसे एक सवाल पूछा, 28% GST किस पे लगा होता तो आपने ही जवाब दे पाई। दूसरी बात, आप निजीकरण की बात करते हैं, नगरनार स्टील प्लांट को किसने निजीकरण कराया, कौन से पेपर में नोटिफिकेशन निकला, कौन से कहते, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए नीता जी, मैं बहुत देर से सुन रहा था, सुन लीजिए, कौन से नोटिफिकेशन में निकला, कौन से गैजेट में निकला, कौन से अखबार में निकला नगरनार प्लांट का निजीकरण की बात। भिलाई स्टील प्लांट के निजीकरण की बात कर रहे हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, पिछले 10 साल में भिलाई स्टील प्लांट से रेल लाइन ऑस्ट्रेलिया तक के जाने लगा है। भिलाई स्टील प्लांट में 60 साल से कोकिंग प्लांट नहीं था, हम यहाँ से कोयला ऑस्ट्रेलिया भेजते थे, वहां पे कोकिंग कोल बन के हमारे यहाँ वापस इम्पोर्ट करते थे, हमने वो कोकिंग प्लांट बनाया। गोपाल जी नेता जी समय का अभाव है, मेरा एक सवाल रहेगा गोपाल जी आपसे, चूंकि समय का भी अभाव है हमारे पास में, आपसे एक सवाल मेरा कि लोकसभा चुनाव में अगर हम देखें तो वर्तमान आपके जो सांसद रहे उनमें से 9 में से आपने 7 सांसदों के टिकट काट दिए, क्यों, क्या कारण रहा, क्या आपको भरोसा नहीं था कि अगर उन्हीं 7 को वापस उतार दिया गया तो बीजेपी जीत नहीं पाएगी? नैंसी जी मेरा बहुत एक आपसे निवेदन है और आपसे एक बहुत रिक्वेस्ट है मेरा इस चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी किसी की टिकट नहीं काटी, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, आप भी जानते हैं विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट बैंक है, हमारे यहाँ किसी एक परिवार की पार्टी नहीं है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, और कार्यकर्ताओं की पार्टी जब होती है तो सबको मौके देने पड़ते हैं, किसी एक व्यक्ति को मौका देने के लिए किसी की टिकट काट दिया जाता है ऐसा नहीं होता है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को मौका देना है, टैलेंट की हमारे पास संख्या बहुत ज्यादा है, तो इसलिए किसी के जगह पे किसी को कभी उतारा जाता है, इस जगह पे दूसरे को मौका दिया जाता है, दूसरे के जगह पे तीसरे को मौका दिया जाता है, या ऐसे मौके का चेन सिस्टम चलता है हमारे यहाँ, ठीक है, हमारे यहाँ किसी एक परिवार की पार्टी नहीं कि इसके लिए रायबरेली की सीट माता जी छोड़ेंगे तो भाई साहब के लिए, भाई साहब छोड़ेंगे तो बहन जी के लिए, ऐसा हमारे में। छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में कितनी अच्छी परंपरा है, आज हम 11 के 11 नए फ्रेश चेहरे देख पा रहे हैं, पिछले बार हमने देखा है, आज विधानसभा में देखिए हमने युवाओं को मौका दिया, युवाओं को मौका देकर ना केवल भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें विधायक बनाया कि पहली बार के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री भी बनाया, तो आप सोचिए टैलेंट को कितनी जगह मिलती है भारतीय जनता पार्टी में, ठीक है ठीक है, इसलिए कांग्रेस के लोग भी आना चाह रहे हैं, ठीक है। अंतिम सवाल, कितनी सीट 11 की 11 में से कितनी सीट आपकी? 11 में से 11 की सीट भारतीय जनता पार्टी, नीता जी मोदी जी की गारंटी, आपसे भी अंतिम सवाल मेरा यही रहेगा, कितनी सीट ये कहना चाहेंगे 11 से 11 सीट कांग्रेस को मिलेगी, कांग्रेस की आज के कारण मिलेगी, कांग्रेस के कामों के कारण कांग्रेस की सीट, ठीक है ठीक है। मेरा नागेंद्र जी आखिरी सवाल आपसे ही रहेगा,
कि दावे आपने सुने दोनों ही पार्टियों के, सभी 11 सीट पार्टी जीतने का दावा कर रही है, लेकिन वही सवाल कि टीएस सिंहदेव जो ये दावा कर रहे हैं कि हम 11 सीटें जीतेंगे, विधानसभा का चुनाव वे हार गए, सरगुजा की सारी सीटें वे हार गए, इसके अलावा विधानसभा चुनाव हारने का जो ठीकरा था वो टीएस सिंहदेव ने कांग्रेस पर ही फोड़ा था, क्या लगता है आपको इस बार कैसा मुकाबला हुआ छत्तीसगढ़ में? देखिए, इस बार छत्तीसगढ़ में मुकाबला बहुत सारी सीटों में बड़ा संघर्ष की स्थिति है, इसको खारिज नहीं किया जा सकता। और आम जनता जो है उसने अपने विवेक से वोट दिया है, तो आप किसी भी तरीके से इसका आकलन अभी लगा पाना तो मुझे लगता है बहुत ही कठिन है। यहाँ जो मतदाता है वो अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं, उसमें विद्यार्थी भी हैं, पुराने वोटर्स भी हैं, महिलाएं भी हैं, किसान हैं, और सबने अपने अपने हितों की बात को लेके, प्रदेश के विकास को लेके वोट किया है। बिल्कुल, यानी कि इस बार जनता ने विकास के आधार पर ही वोट किया है, जनता ने अपनी मूलभूत समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अनादि टीवी के साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए बहुत शुक्रिया। तो लगातार दावे दोनों ही पार्टियों के बढ़ते जा रहे हैं, जहां पर बीजेपी कह रही है कि 11 की 11 सीटें इस बार बीजेपी जीत रही, तो कांग्रेस की तरफ से भी यही दावा किया जा रहा है कि सभी 11 सीटें कांग्रेस इस बार जीतने वाली है। खैर, 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो स्पष्ट होगा कि आखिरकार छत्तीसगढ़ की 11 की 11 सीटें किस पार्टी ने जीती या फिर कितनी सीट किस पार्टी के झोली में गई है, जनता ने अपना मत किस पार्टी को दिया है, 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। फिलहाल इस खास बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए अनादि टीवी के साथ, नमस्कार।